प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही हाल है राम। कोई बात नहीं, 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा अब्दुल्ला भाई। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं, ये है लोकतंत्र। 10 मार्च को आ रहा है अखिलेश जी, आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं ये। घर तक पर लोग नहीं आ सकते। चलो भाई भाई खाना खा ले घर जाके। आपका वो भी ना खाए कह दो। अरे नहीं भाई, कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। देखो हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी बोली। भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो ज्यादती और जो रह गई है वो भी कर लो। लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा इंशाल्लाह। शहजाद नगर में काफिला रोक दिया गया है, क्या कहेंगे भाई? मैं तो जेल से निकला था और मैंने सबसे ये कहा कि अगर कोई मुझे मेरी मोहब्बत में लेने आता है तो मैं उसे मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकती। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे प्यार करने वाले वहां तक आ गए। ना तो कोई काफिला था, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। गाड़ी में 4 आदमी मास्क लगाए हुए। लेकिन अगर भाई रामपुर में तो हम कह ही रहे कि जो मौजूदा अधिकारी हैं इस मंडल में उनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप तो खड़े हो ना, ये तो घर है मेरा। अब घर जाने से भी अगर गाड़ी रोक दी जाएगी, यह सब प्रोटोकॉल विपक्ष के लिए, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, गाड़ियों में से उतार उतार कर चेक किया गया है ना इसका। अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वाले हैं, क्या कर सकता है कौन, क्या नहीं कर। कितने बेगुनाहों को मार दिया ऐसे ही, कितने बेगुनाह लोगों को मुकदमों में जेल भेज दिया। यूपी के थानों में क्या नहीं हो रहा, इससे छुपा हुआ है। कितनी कस्टोडियल डेथ हो गई। गोरखपुर के एक व्यापारी को कैसे मार दिया, लखनऊ में एक इंजीनियर को कैसे मार दिया, उन्नाव की बेटी को कैसे जला दिया गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया देख नहीं रही है। सीतापुर से भी निकलने के बाद, सीतापुर से निकलने के बाद भी काफी मीडिया से और आपसे धक्का मुक्की हुई है पुलिस की, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना भाई, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि उसे कोई डर नहीं है। किसी को भी कहीं पर भी ठोक दो। अच्छा, आज हमारा कोई संदेश कोई अगर जो आपको आने पर दूंगा। अब्दुल्ला भाई, आपकी जमानत काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन जेल में किसी तरह का कोई खतरा था जो आप बाहर? और मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहाँ पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा आप बताओ, चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ? यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है बताइए आप। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है? यहाँ तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। बताओ ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? इन अधिकारियों का रहते निष्पक्ष चुनाव होगा? सिर्फ हमारे लिए पुलिस, रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है। और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप में पकड़े जाते हैं। 2022 का चुनाव करीब है, अब हमसे क्या कहना चाहेंगे भाई? चुनाव मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं, जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सलूक बीजेपी ने किया है वो दुनिया जानती है। भाई 2-2.5 साल तो मैं भी हाउस गया था, मैंने देखा है वहाँ। अच्छा, ये 23 महीने जो आपको गुजरे थे, ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे गुजरे? 8x10 की कोठरी जिसमें 2 फीट का टॉयलेट,
और उस 8x8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे, और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बने। ऐसे मुकदमे में जिसका 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेला आजम खान साहब जी, मतलब आजम भाई की जान को खतरा है। बिल्कुल है भाई, सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई तो क्या कह सकते हैं? ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं, जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सलूक बीजेपी ने किया है वो दुनिया जानती है। भाई 2.5 साल तो मैं भी हाउस गया था, मैंने देखा है वहाँ। अच्छा, ये 23 महीने जो आपको गुजरे तो ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे गुजरे? 8x10 की कोठरी जिसमें 2 फिट का टॉयलेट और बस 8x8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे, और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बने। ऐसे मुकदमे में जिसका 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेला आजम खान साहब जी, मतलब आजम भाई की जान को खतरा है। बिल्कुल है भाई, सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई तो क्या कह सकते हैं? क्या कर एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। सीतापुर से निकलने के बाद भी काफी मीडिया से और आपसे धक्का मुक्की हुई है, पुलिस की क्या कहेंगे? जिन्हें कहा ना भाई, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है, उससे कोई डर नहीं है, किसी को भी कहीं पर भी ठोक दो। अच्छा, आजम भाई को कोई संदेश, कोई अगर जो आप वक्त आने पर दूंगा। अच्छा। अब्दुल्ला भाई, आपकी जमानत काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन जेल में किसी तरह का कोई खतरा था जो आप बाहर नहीं आए? भाई, मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था, और मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है, और आज भी मेरे वालिद को वहां पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा, आप बताओ चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ? यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है बताइए आप, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए। पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है? यहां तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूं, बताओ ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? इन अधिकारियों का रहते निष्पक्ष चुनाव होगा? सिर्फ हमारे लिए पुलिस, रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है, और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप में पकड़े जाते हैं। 2022 का चुनाव करीब है, आवाम से क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये चुनाव मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं, जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सलूक बीजेपी ने किया है वो दुनिया जानती है। भाई 2.5 साल तो मैं भी हाउस गया था, मैंने देखा है वहाँ। अच्छा, ये 23 महीने जो आपको गुजरे तो ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे गुजरे? 8x10 की कोठरी जिसमें 2 फिट का टॉयलेट और बस 8x8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे,